टीकमगढ़ में कोतवाली थाने से कुछ ही दूरी पर एक दर्जन से ज्यादा गुंडों और बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने खुलेआम तलवार लहराई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस बदमाशों को पकड़ने के बजाय बस स्टैंड को बंद कराने में लगी रही। टीकमगढ़ में बदमाशों को अब पुलिस का डर नहीं रहा। थाने से कुछ ही दूर बस स्टैंड में करीब एक दर्जन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। असामाजिक तत्वों ने खुलेआम तलवार लहराई, डंडों और हथियारों के बल पर दुकानों में गाड़ियों और गुजरते हुए राहगीरों पर बर्बरतापूर्वक हमला किया, जिसमें कई राहगीर और ट्रक ड्राइवर घायल हो गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बदमाशों ने दुकानदारों का सामान दुकानों से बाहर फेंक दिया। करीब 10 से 15 मिनट तक आतंक मचाने के बाद सारे गुंडे भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं, लेकिन पुलिस अब तक इनकी तलाश नहीं कर पाई है। बताया ये भी जा रहा है कि इन गुंडों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वहीं पुलिस ने अपनी असफलता को छुपाते हुए गुंडों को बंद करने की जगह बस स्टैंड को बंद कराना उचित समझा। घटना को लेकर पूरे शहर में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।